महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक बहुत ही दिलचस्प जगह 50,000 साल पुरानी लोनार क्रेटर झील है, और जो चीज पर्यटकों को झील की ओर खींचती है वह है इसके आसपास का रहस्य। साथ ही पूरा पैकेज यानी विज्ञान, सौंदर्य और धर्म जैसे पहलू जो इस झील के 6 किलोमीटर के घेरे में है इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाते हैं। झील का पानी प्रकृति में खारा और क्षारीय दोनों है, जो इसे न केवल भारत में बल्कि दुनिया में अपनी तरह का अनूठा बनाता है। यह नीला लगून एक उल्कापिंड के कारण बनाया गया था और उल्कापिंड के प्रभाव से बने क्रेटर ग्रह पर उपलब्ध आकर्षक भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर क्रेटर स्वाभाविक रूप से नष्ट हो गए हैं, कुछ विकृत और कुचले हुए चट्टान के भूगर्भीय निशान के रूप में बने रहने का प्रबंधन करते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने 3 ऐसे गहरे निशान दर्ज किए हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये किसी उल्कापिंड क्रेटर के अवशेष हैं। उनमें से लोनार क्रेटर झील दुनिया का सबसे बड़ा बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर होने के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जबकि अन्य दो यानी ढाला और रामगढ़ अपेक्षाकृत अज्ञात हैं। झील बेसाल्टिक चट्टान में बनी दुनिया की एकमात्र उच्चवेग प्रभाव वाली झील में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के क्षेत्र से टकराने के बाद गड्ढा बना था। लोनार क्रेटर झील बेसाल्ट चट्टान में बनी सबसे अच्छी संरक्षित और सबसे कम उम्र की क्रेटर झील है। झील की उम्र निर्धारित करने के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। जबकि थर्मोल्यूमिनेसेंस विश्लेषण से पता चलता है कि झील की उम्र 52,000 साल पुरानी होनी चाहिए, जिसमें दोनों तरफ 6,000 साल का सुधार हो, जबकि आर्गन डेटिंग प्रणाली से पता चला है कि क्रेटर का गठन लगभग 5,70,000 साल पहले हुआ था और दोनों तरफ 47,000 साल का सुधार हुआ था। झील का औसत व्यास लगभग 3,900 फीट या 1.2 किलोमीटर है और जिस गड्ढे पर झील बैठती है उसका व्यास 1.8 किलोमीटर है। जिस क्रेटर पर झील बैठती है वह आकार में अंडाकार है, जो दर्शाता है कि धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह 35 से 40 डिग्री के कोण पर उस स्थान से टकराया है। आपको मड बेल्ट में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं मिलेगी, जो क्षेत्र की क्षारीय सामग्री के कारण है। सरोवर के दक्षिणी छोर पर जाएं तो वहां मीठे पानी का कुआं है। फिर 2 धाराएं हैं जो झील के लिए जल स्रोत की तरह हैं, क्योंकि ये धाराएं सीधे झील में बहती हैं। झील का पारिस्थितिकी तंत्र आपको भी विस्मित कर देगा, क्योंकि झील में 2 अलग अलग जल क्षेत्र हैं जो दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। झील का बाहरी क्षेत्र तटस्थ क्षेत्र है जिसका पीएच स्तर 7 है। झील का आंतरिक क्षेत्र क्षारीय भाग है जिसका पीएच स्तर 11 है। दोनों क्षेत्र अद्वितीय हैं और विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। लोनार क्रेटर झील में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख सरीसृप मॉनिटर छिपकली हैं। इस झील की एक अन्य विशेषता गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग रोगाणु है, जैसे कि क्लेबसिला एसपी, स्लेकिया सपा, पाराकोकस सपा, एक्टिनोपोलिस्पोरा एसपी और हेलोमोनास एसपी। अध्ययनों के अनुसार यह पता चला है कि ये सभी रोगाणु केवल क्षारीय स्थितियों में ही जीवित रह सकते हैं और वह भी 11 के पीएच स्तर के साथ।